गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक क्लास। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम है सेट्स, यानी कि समुच्चय। बड़ा ही बेसिक, बहुत ही इजी टॉपिक है और आपकी बुक का सबसे पहला टॉपिक है ये। जो 11th की जो हमारी बुक है उसमें सबसे पहला चैप्टर हमारे पास सेट ही होगा। आज हम इस टॉपिक के सारे बेसिक की बात करेंगे भी सेट्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। अब तक मैं आपको दो टॉपिक पढ़ा चुका हूं, बहुत ही सिंपल से। यानी आपने ये देखा होगा कि हर वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूं आपके सामने। मैं ये चाहता हूं कि बुक्स जब अपने स्टार्ट करें, ठीक है, उससे पहले पहले हमारा जो बेसिक है मैथ्स का वो क्या हो जाना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो देखिए आज का जो टॉपिक का नाम आपको बता दिया सेट्स, ये समुच्चय होते क्या हैं, ये समुच्चय होते क्या हैं। देखिए समुच्चय जो होता है बेटा, देखिए आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं सबसे पहले क्या, वस्तुओं या संख्याओं का, वस्तुओं या संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, समझिए यहां सुपरिभाषित संग्रह से क्या मतलब है। देखो मैं परिभाषा को दोहरा रहा हूं एक बार कि वस्तुओं या संख्याओं, कोई भी आपके पास कोई भी चीज है उसका जो संग्रह करते हो, यानी यदि वह संग्रह सुपरिभाषित है तो उस संग्रह को आप क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। सेट्स का नाम ही है बेटा कलेक्शन करना, चीजों को इकट्ठा करना एक नियम के अनुसार। देखो सुपरिभाषित संग्रह, जो सुपरिभाषित वर्ड यहां इसलिए यूज किया गया, इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। यानी कोई भी चीज का जब आप संग्रह करेंगे तो उसके ऊपर एक नियम फॉलो होना चाहिए, उस नियम के अनुसार ही आप संग्रह करेंगे। ऐसे नहीं है कि जो भी चीज है, कभी मान लो आपने संख्याएं ले ली, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया और उनका संग्रह कर लें, ऐसा नहीं। एक विशिष्ट नियम से जब अपने किसी चीज का संग्रह करते हैं और हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे संग्रह में ये शामिल हो सकती है या नहीं हो सकती, तो उस चीज को अपने बोलते हैं सुपरिभाषित। अब थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, जैसे देखो आप, ठीक है, आपको ये कहा जाए कि महीनों का संग्रह, मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखो महीनों का संग्रह। अब देखो मैं लिख दिया ना, संग्रह करना है किसका, महीनों का। अब जितने भी मंथ्स आते हैं आपके पास उनका जब आप संग्रह करोगे, कर सकते हो आराम से, आपको पता है 12 मंथ आते हैं, ठीक है ना। हमारे एक साल के अंदर आने वाले कितने मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो महीनों का संग्रह आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, एक नियम लग रहा है ना, मैंने बोल दिया महीने तो आप समझ गए, ठीक है। इसी तरह से आपको ये कहा जाए कि जे से शुरू होने वाले महीनों का संग्रह, तो आप कहोगे सर यहां भी एक विशिष्ट नियम काम कर रहा है, एक मैंने स्पेशल बात की है कि जे से शुरू होने वाले महीने इनका भी आप कलेक्शन कर सकते हो। जैसे इसका कलेक्शन करोगे आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, जनवरी फरवरी, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये सब आ जाएंगे, टोटल कितने 12 महीने, ठीक है। यानी आप कहोगे सर ये जो हमारा जो संग्रह है, महीनों का संग्रह है, ये हमारा सुपरिभाषित है। क्यों सुपरिभाषित है, कि यहाँ पर बेटा जो मैंने आपको विशेष चीज बताई है कि महीनों का संग्रह है, तो आप महीनों का नाम लेते ही आप समझ जाएंगे भी मेरे को यहाँ पर किस किस चीज का कलेक्शन करना है। इसका मतलब ये हमारा जो संग्रह है वो सुपरिभाषित हो गया। तो जो सुपरिभाषित संग्रह होगा वो समुच्चय होगा। तो आप कहेंगे सर ये हमारा जो संग्रह है बेटा, संग्रह का नाम ही क्या होता है, सेट्स होता है, यानी समुच्चय होता है। संग्रह को ही क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। पर हमारे द्वारा किया गया संग्रह जो होना चाहिए वो सुपरिभाषित होना चाहिए, ठीक है। अब आपको मैंने कहा जे से शुरू होने वाले महीने, तो आप कहेंगे सर इसमें हम संग्रह कर सकते हैं जनवरी,
ठीक है, जून जुलाई बस, ठीक है। इसमें एक विशिष्ट नियम काम कर रहा है, जे से शुरू होने वाले, क्या आप इसमें फरवरी को शामिल कर सकते हैं? आप कहोगे सर नहीं कर सकते, तभी तो मैंने कहा सुपरिभाषित संग्रह, यानी आपको एक ऐसा विशिष्ट नियम दे दिया जाए, ठीक है, संग्रह करने के लिए, जिससे आप ये पता लगा सके कि इस वस्तु या संख्या को मैं संग्रह में शामिल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। यानी संग्रह जो होना चाहिए वो सुपरिभाषित होना चाहिए, एक नियम के अनुसार होना चाहिए, ऐसे नहीं है कोई भी चीज का संग्रह कर ले हम। जैसे आपको मैं कह दूं, जैसे तीसरा नंबर अपने यहां लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का संग्रह, सभी स्वरों का संग्रह, तो बताओ आप सभी स्वरों का संग्रह कर सकते हो? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर बोल दिए ना, स्वर तो बेटा पांच ही होते हैं, ए ई आई ओ और यू, बस हो गया संग्रह। और जिस संग्रह, मतलब आप ये देखिए, जो संग्रह सुपरिभाषित, अब ये भी सुपरिभाषित था, ये भी सुपरिभाषित था, ये भी सुपरिभाषित था, और जो सुपरिभाषित संग्रह होता है उसी को हम बोलते हैं बेटा सेट्स। क्या बोलते हैं? सेट्स। परिभाषा पढ़िए, वस्तुओं या संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह, यानी जो आप कर सकते हैं, आपके द्वारा किया गया संग्रह यदि परिभाषित है तो वो क्या होगा? सेट्स होगा। चलो अब आप कहोगे, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको मैंने कहा अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह, अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह करो, आप कोई क्रिकेट के खिलाड़ी ले लीजिए आप, तो आप कहोगे सर ये संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। अब बताओ अच्छे खिलाड़ी किसको बोलोगे आप? हर व्यक्ति की राय में, ठीक है, हर खिलाड़ी अलग अलग है, कोई किसी को अच्छा बताएगा, कोई किसी को बुरा बताएगा, यानी ये अच्छे खिलाड़ी जो वर्ड यूज हुआ है ये सुपरिभाषित यहाँ पर नहीं हो सकता, हर व्यक्ति की राय में इसके अलग अलग विचार हैं, इसलिए आप कहेंगे सर ये समुच्चय नहीं है, यानी नॉट ए सेट्स। क्या बेटा? नॉट ए सेट्स, यानी कि ये समुच्चय नहीं है। बात समझ गए बेटा आप मेरी? फिर देखिए आपको बेटा मैंने एक और दिया एग्जाम्पल, मैंने कहा मुंशी प्रेमचंद द्वारा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तकों का संग्रह, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तकों का संग्रह, तो आप कहेंगे कि सर ये सेट्स है। क्यों बेटा? उसने किताबें कितनी लिखी होंगी? 100, 200, 300 कलेक्शन कर सकते हैं ना हम, कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषित होगा, ठीक है। और जैसे आपको कहा गया कि कक्षा 11 के विद्यार्थियों का संग्रह, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का संग्रह, तो क्या आप ये संग्रह कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर ये भी हम कर सकते हैं, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का संग्रह, ये भी हमारा सेट्स होगा, क्योंकि बिल्कुल कक्षा 11 के विद्यार्थियों का संग्रह कर सकते हैं, 50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, 500 होंगे, संख्या तो निश्चित है ना इनकी। जैसे आपको कहा गया, मान लो कि प्रथम 10 धन पूर्णांकों का संग्रह, धन पूर्णांकों का संग्रह, प्रथम 10 धन पूर्णांकों का संग्रह आपसे पूछा गया, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल प्रथम 10 धन पूर्णांक, यानी एक से प्रारंभ हो जाओ, धन पूर्णांक लेने हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, लो जी हो गया संग्रह बस, ठीक है ना, यानी ये संग्रह भी परिभाषित है, तो आप कहेंगे सर ये भी हमारा सेट्स है, यानी ये सभी संग्रह, यानी जो संग्रह सुपरिभाषित होगा वो समुच्चय होगा। चलो मैं आपसे पूछता हूं, चलिए आप, ठीक है, मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, देखिए सप्ताह के दिनों का संग्रह, बताओ ये सेट्स है या नहीं है, चलो बताओ आप, अब बताओ सप्ताह के दिनों का संग्रह, तो आप कहेंगे सर सप्ताह में तो बेटा 7 ही दिन होते हैं, हर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये बिल्कुल ट्रूथ है, बिल्कुल
ठीक है ना, एक मतलब सत्य है ये, सात ही दिन होंगे, तो ये एक परिभाषित संग्रह है। तो आप कहेंगे सर ये भी हमारा सेट्स है। अब मैं आपको कह दूं कि दुनिया के खतरनाक जानवरों का संग्रह, दुनिया के खतरनाक जानवरों का संग्रह। जो बच्चे हमारा ये वीडियो देखेंगे उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि इस वीडियो को पहले आप ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा, फिर आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है। आप इन वीडियोस के बेटा एक नोट्स जरूर बना लें और इनको पढ़ा करें, आपका ये बेसिक है। हमारे जो पहले 10 या 15 वीडियोस होंगे इनको अगर आप लगातार देख लेंगे तो आपकी मैथ्स में काफ़ी सुधार हो जाएगा। क्योंकि ये तो आज बहुत इजी टॉपिक लिया है, इसके बाद काफ़ी अच्छा टॉपिक आने वाला है एक, जो कि आपके बेसिक का काम करेगा। और ये तो हमारी बुक की मतलब शुरुआत है, ठीक है ना, यहाँ से हमारी बुक स्टार्ट होती है हमेशा, ठीक है। तो दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह बताओ। तो आप कहोगे सर ये तो परिभाषित नहीं है, हर मतलब दुनिया में बहुत सी जगहें हैं, बहुत सी जगहों पर हर बंदे की हर जानवर के प्रति अलग अलग राय है, ठीक है। तो कई लोग तो मतलब शेर से भी नहीं डरते हैं, और हमारे यहाँ बच्चे जो है वो छिपकली से भी डर जाते हैं। तो बताओ फिर क्या किया जाए, बताओ आप, ठीक है। चाइना जैसे देश में से छिपकली छुपकली लोग मार के खा जाते हैं, ठीक है। चमगादड़ उड़ रही होती है तो अपने चमगादड़ से बहुत डरते हैं कि कहीं अपने कानों के ना चिपक जाए, और चाइना वाले उसको क्या कर रहे हैं, मार मार करके खा रहे हैं, सूप बना के पी रहे हैं। तो बताओ क्या आइडिया लगाया जाए कि खतरनाक जानवरों का। तो आप कहेंगे सर ये परिभाषित नहीं है, ये संग्रह परिभाषित नहीं है, इसलिए नॉट ए सेट यानी ये समुच्चय नहीं होगा। तो मेरी बात को आप समझ गए ध्यान से, समुच्चय किसको बोलेंगे आप, ठीक है। सुपरिभाषित संग्रह यानी वस्तुओं या संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय बोलेंगे। यानी जो संग्रह है अगर वो परिभाषित है, यानी किसी विशेष नियम के अनुसार अगर हम उसका संग्रह कर सकते हैं तो वो सुपरिभाषित है, और जो सुपरिभाषित संग्रह है वो समुच्चय कहलाएगा। तो समझ गए आप, चलिए इसको इरेज कर दें। अब देखो, अब मैं आपको एक समुच्चय लिख के दिखाता हूं, चलो फिर उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी एक एग्जांपल देता हूं कि समुच्चय होता कैसा है। देखो आप बेटा यहां देखो, मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल एक समुच्चय ले रहा हूं, देखिए आप समुच्चय, ठीक है। ये देखिए ए बी सी डी ई एफ। अब ये देखो अंदर जितने भी आपने संग्रह किए ना, मैंने यहाँ पहले 6 लेटर अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 6 जो आपके लेटर हैं अक्षर हैं उनका मैंने यहाँ पर संग्रह किया है, और ये मैंने समुच्चय का नाम लिख दिया। हमेशा समुच्चय देखने में ऐसा होता है, ऐसे लिखा जाता है एक समुच्चय। अब इसमें आप चाहो अगर मान लो आप जे से शुरू होने वाले महीनों का संग्रह कर रहे हो तो आप यूं लिखोगे जनवरी जून जुलाई, और ऐसे मंजला ब्रैकेट के अंदर, इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं बेटा, मंजला ब्रैकेट, मंजला ब्रैकेट में आप इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया समुच्चय। चलो अपने फॉर एग्जांपल एक ही समुच्चय हमारे सामने रखते हैं, फिर विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। ये होता है समुच्चय। अब समुच्चय के बारे में जो छोटी छोटी बातें हैं ना वो देखिए आप, चलो आप भी अपनी कॉपी पे लिख लो आप, ठीक है। एक पेज ले लो आप, पेन ले लो, लिखो। पहली बात हमारे पास में क्या है कि समुच्चय के लिए सदैव मंजला ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट बोलते हैं, मंजला ब्रैकेट इस तरह के ब्रैकेट का यूज किया जाता है। इस तरह के ब्रैकेट का क्या किया जाता है यूज, यानी जितना भी आपने संग्रह किया इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। देखो मैंने यहां पर पहले 6 अक्षर लिए, इनको मंजला ब्रैकेट में बंद कर दिया ना, तो आप ध्यान रखिएगा कि समुच्चय के लिए सदैव मंजला ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। फिर दूसरी बात, जितने भी आपने जिसका भी आपने संग्रह किया है ना, जितना भी आपने अंदर समुच्चय के अंदर जितना भी आपने संग्रह किया है, चाहे वो महीनों के नाम है, चाहे वो किताबों के नाम है, चाहे वो संख्याएं हैं, चाहे वो अक्षर है, कुछ भी है, ठीक है, उस संग्रह जो आपने किया है वह संग्रह क्या कहलाता है, समुच्चय के अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है, समुच्चय के अवयव, ठीक है।
ठीक है। तो यहां पर आपने जो ये छह वस्तुएं ली हैं या छह अक्षर लिए हैं, ये समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। ए भी समुच्चय का अवयव है, बी भी समुच्चय का अवयव है, सी भी समुच्चय का अवयव है, डी ई एफ। तो ये क्या चीज है बताओ? समुच्चय के अवयव, ठीक है। इनको कर्ली ब्रैकेट में बंद, मतलब कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद में आप ये लिखेंगे कि समुच्चय में कभी भी अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होती। अभी समझाएंगे आपको ये बात कि समुच्चय में कभी भी अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती, ठीक है ना। अवयवों की पुनरावृत्ति आप समुच्चय में नहीं करेंगे, ठीक है। अभी समझाते हैं आपको। अब फिर लिखिए आप समुच्चय के जो अवयव होते हैं ना बेटा, समुच्चय के जो अवयव होते हैं, ठीक है, वो ऑलवेज बेटा स्मॉल लेटर, बेटा स्मॉल लेटर जानते हो बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित किए जाते हैं। देखो ये सारे अवयव है ना, अंदर वाले सारे अवयव है ये, इन अवयवों को बताओ मैंने कौन से मतलब लेटर से निरूपित किया है? स्मॉल लेटर से, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। देखो मजबूरी हो जाए तो आपको कैपिटल भी लेना पड़ सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो ये मैंने लिखा ट्रिगोनोमेट्री, एक मैंने आपको एक शब्द दिया ट्रिगोनोमेट्री, यानी ट्रिगोनोमेट्री के अक्षरों से बनने वाला समुच्चय। प्रश्न समझ गए ना आप? शब्द ट्रिग्नोमेट्री के अक्षरों से बनने वाला समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे सर इसके अक्षरों से ना, इसके अंदर कौन कौन से अक्षर प्रयोग में आ रहे हैं? टी आ रहा है, आर आ रहा है, आई आ रहा है, जी आ रहा है, ओ आ रहा है, एन आ रहा है, एम आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। फिर टी हम नहीं लेंगे, आर आ रहा, आर भी आ गया पहले है, और वाई लेंगे हम। यानी कि इसमें देखो आई की पुनरावृत्ति हो रही है, सॉरी ओ की पुनरावृत्ति हो रही है बेटा, पर मैंने ओ को कितनी बार लिखा? एक बार ही। आपने भी ऐसे ही अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। एक वस्तु या संख्या या जो भी चीज है, अक्षर है, उसका एक बार ही प्रयोग करना है। अब आपको सवाल क्या दिया हुआ था, सवाल सुन लीजिए ध्यान से, कि एक शब्द दिया गया आपको ट्रिगोनोमेट्री, इसके अक्षरों से हमें क्या बनाना है? समुच्चय बनाना है। तो मैंने देखो समुच्चय के लिए मंजिला ब्रैकेट का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखो, अब इसने खुद ने लेटर बड़े दिए हैं तो मुझे बड़े ही तो लेने पड़ेंगे। वैसे प्रिंसिपल ये कहता है, सिद्धांत ये कहता है कि लेटर हमेशा स्मॉल में लेने होते हैं, परंतु जब इसने खुद ही बड़े दे दिए तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ आप? जो ये कहेगा करना तो किताब की माननी पड़ेगी ना अपने को। जब इसने खुद ही बड़े लेटर दे दिए तो आपको बड़े ही लेने पड़ेंगे। फिर आती है बात पुनरावृत्ति की, टी एक बार दो बार था पर मैंने कितनी बार लिया? देखो एक बार। आर दो बार था, मैंने कितनी बार लिया? एक बार। आई तो चलो एक बार था, जी कितनी बार था? एक बार, कोई दिक्कत नहीं। ओ फिर पुनरावृत्ति होगी, ओ दो बार था, मैंने कितनी बार लिया? एक बार, ठीक है ना। एन मैंने एक बार, एम मैंने एक बार, इस तरह से आप देख लो सभी मतलब अक्षरों को मैंने सिर्फ एक बार ही लिया है, क्योंकि समुच्चय में कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है, एक चीज को आप एक बार ही लेंगे। अब देखिए समुच्चय का खुद का जो नेम है ना बेटा, नाम, नाम आप समुच्चय को अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हैं। किताब में दिया हो तो देखो किताब वाला ए बोलेगा तो आपको ए ही बोलना पड़ेगा। जब बारी आती है कि हमारे द्वारा मानने की, कि हम अपने द्वारा नाम मानना चाहते हैं, तो हमेशा कैपिटल लेटर में ही नाम लिखना है। यानी आप ये मान लीजिए कि समुच्चय का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर कौन सा लेटर यूज में लिया है? ए, यानी बड़ा लेटर, ठीक है। तो ये हमारे देखो समुच्चय का बेसिक था। एक चीज मैं आपको विशेष रूप से बता दूं, कर्म का महत्व नहीं होता, कर्म का महत्व नहीं होता समुच्चय में, कभी भी कर्म का महत्व नहीं होता। कैसे? आपने लिखा ए बी सी और मैंने लिख दिया सी ए बी, तो ये दोनों समुच्चय आपस में बराबर हैं। आप तो अवयवों को देखो, अवयव बराबर है, इसमें ए बी सी तीन ही अवयव थे और इसमें भी ए बी सी हैं, बस इनका क्रम आपस में बदल गया है, ठीक है। तो आप कहेंगे समुच्चय में क्रम का महत्व नहीं होता। फिर देखिए समुच्चय क्या होता है बेटा, समुच्चय देख लीजिए आपके सामने है,
ठीक है, ये हमारे पास में समुच्चय। शुरू से स्टार्ट करते हैं कि समुच्चय जो होता है वस्तुओं या संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह होता है। ठीक है, यानी जो आपके द्वारा संग्रह किया जा रहा है वो परिभाषित होना चाहिए। अब समुच्चय का एक फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा, ऐसा होता है समुच्चय। ठीक है, क्या इसके रूल्स होते हैं? देखो, सदैव मंजिला ब्रैकेट का प्रयोग होता है। जो भी आपने इसके अंदर भरना है या संग्रह करना है, मान लो, ठीक है, संग्रह करके बाहर मंजिला ब्रैकेट का यूज होगा हमेशा। वो देखो, वो भी मैंने समुच्चय बनाया। जब समुच्चय बनाने की बात आ जाए तो मंजिला ब्रैकेट यूज होगा। संग्रह जो है, जितने भी चीजों का आप संग्रह करेंगे ना समुच्चय के अंदर, मंजिला ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी क्या कहलाएंगी? समुच्चय के अवयव कहलाएंगी। समुच्चय में कभी भी अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक है ना, एक अवयव को आप एक बार ही लिखेंगे, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। अवयव जो होते हैं वो स्मॉल लेटर में होते हैं, नेम जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है, कर्म का कोई महत्व नहीं होता आपके सामने। ठीक है, तो बेटा आज के लिए धन्यवाद। इस चीज को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कल फिर इसका जो शेष भाग बच गया वो कल नए वीडियो में अपने आपको बताएंगे। थैंक यू।